कोरोना वायरस की महामारी से भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का ग्रहण मंडराता नजर आ रहा है। भयंकर आर्थिक सुस्ती की आहट के बीच दुनिया भर के निवेशक शेयर बाजारों से अपना पैसा निकालने में लगे हैं। अगर भारत की बात करें तो मार्च के पहले 15 दिनों में ही FPIs ने मार्च में अब तक भारतीय पूंजी बाजार से 37,976 करोड़ रुपए की निकासी की है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक FPI ने 2 से 13 मार्च के दौरान शेयरों से 24,776.36 करोड़ रुपए और बॉन्ड बाजार से 13,199.54 करोड़ रुपए निकाले। इससे पहले सितंबर 2019 से लगातार 6 महीने तक विदेशी निवेशक शुद्ध खरीदार रहे थे। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है और बाहर के जो देश हैं उनमें भी काफ़ी तेजी से स्टॉक मार्केट में वहां पर सेलिंग बनी हुई है। जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस यहां पर बढ़ा है, चाहे वो चाइना, इटली, इंडिया और अदर कंट्रीज़ में, US, इन सभी में जिस तरीके से पाबंदी लग रही हैं उसकी वजह से अभी इसका इम्पैक्ट और बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले अभी एक महीने में इसकी वजह से मार्केट में और बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। कोरोना वायरस के तेजी से फैलने और महामारी घोषित होने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी सुस्ती ने दुनिया भर के निवेशकों पर असर डाला है। ऐसे में निवेशक सोने जैसे सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल लेवल पे भी आज की तारीख में ये हम सजेस्ट करेंगे कि ट्रैवल रिलेटेड, डिस्क्रिशनरी रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है जहां तक कम कर सकते हैं इसको कम करना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं थोड़े लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में, गोल्ड में, ETF में, इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने चाहिए जो कि थोड़े से सेफ क्लासेस हैं, कम रिटर्न देते हैं बट अच्छे क्लासेस हैं। प्लस गवर्नमेंट्स की स्कीम है, NPS है, PPF है, ये सारे स्कीम्स में भी हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। दरअसल जिस तरह की हलचल बीते कुछ दिनों में शेयर बाजार में देखने को मिली है उसे देखते हुए निवेश के सुरक्षित और पारंपरिक विकल्पों का रुख करना बेहद जरूरी है। इसकी बड़ी वजह है अकेले बीते हफ्ते में ही टॉप 10 कंपनियों की पूंजी 4.22 लाख करोड़ रुपए घटी है, जिसमें TCS और RIL को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। TCS का बाजार पूंजीकरण 116,549.07 करोड़ और RIL का 103,425.15 करोड़ घटा है। इंफोसिस के बाजार पूंजीकरण में 41,315.98 करोड़ की कमी आई है। HDFC बैंक में 34,919.51 करोड़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर में 33,208.35 करोड़ कम हुए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में 30,931.1 करोड़ और ICICI बैंक में 25,098.54 करोड़ की कमी आई है। बजाज फाइनेंस में 16,320.81 करोड़, एयरटेल में 13,611.62 करोड़ और HDFC में 7,013.31 करोड़ रुपए की कमी आई है। जानकारों का मानना है कि मौजूदा गिरावट के थमने का कारण काफी हद तक कोरोना से जुड़ी खबरें ही हो सकती हैं। शेयर बाजार में अभी आगे और भी बड़ी गिरावट यहां पर बनी रहेगी और इसकी वजह, प्रमुख वजह जो है वो ये है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट और ग्लोबल रिसेशन और क्रूड ऑयल की प्राइसेस, ये तीन वजह ऐसी बनती जा रही हैं जिससे मार्केट में अभी और बड़ी गिरावट यहां पर बनी रहेगी। जाहिर है बाजार को भी इन्हीं राहतों का इंतजार है और उस वक्त ही निवेशक बाजार से जुड़े किसी जोखिम के बारे में सही सही अंदाजा लगा पाएंगे।